गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल। टुडे ऑनलाइन क्लास क्लास फोर्थ EVS चैप्टर फोर्थ पीपल एंड देयर स्किल, लोग और उनका कौशल। प्रीवियस क्लासेस देन चैप्टर थ्री वी कैन सेंस, हम समझ सकते हैं। एंड डिस्कस योर क्लास सेंस ऑर्गन्स आइज ईयर टंग नोज स्किन एंड नोज फाइव सेंस ऑर्गन्स नोज टंग एंड आइज एंड काइंड ऑफ टच स्पर्श के प्रकार एंड इवन ईमेल एंड डिफरेंट एंड स्पेशल पीपल्स के बारे से हमने डिस्कस की एंड एक्सरसाइज के बारे में हमने जाने की ट्रू और फॉल्स क्या हैं, क्वेश्चन आंसर उनके क्या हैं, फिर इन द ब्लैंक्स क्या हैं एंड ब्लाइंड फ्लॉडिवर सेल्फ एंड टच द फ्लोइंग थिंग्स हाउ डू यू फील्स के बारे में जाने एंड रीड एंड रिफ्लेक्ट के बारे में हमने स्टडी की। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट चैप्टर फोर्थ पीपल एंड देयर स्किल, लोग और उनका कौशल्स होती क्या हैं, कुछ उनके जो काम होते हैं, हर एक जो ह्यूमंस होते हैं सब में अपनी अपनी कौशल की क्षमताएं होती हैं, उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। स्टार्ट नाउ क्लास। यहाँ पर एक बच्ची कह रही है, बच्ची के द्वारा की जा रही है कि आई वेंट विथ माई फ्रेंड यसी टू द मार्केट। ओके, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, कहानी के माध्यम से स्टोरी के माध्यम से सुनते रहिएगा। स्टोरी के रूप में आप समझेंगे सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी स्टडी करने में। ओके, आई वेंट विथ माई फ्रेंड यसी टू द मार्केट, अपने दोस्त यसी के साथ बाजार गया था। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि अपने दो दोस्त है माई फ्रेंड यसी के साथ में क्या है मार्केट गया। देयर वी सॉ शॉप ऑफ वे पॉटर ट्वेलर कॉपर एंड एम्ब्रॉयडर्स एंड ए मैगनिक। वहाँ हमने एक कुम्हार को देखा, दर्जी मोची एक कढ़ाई और एक मैकेनिक की दुकान देखी। किसकी दुकान देखी, एक पोटर जो कुम्हार है, टेलर है, कॉपर जो मोची की दुकान है, एम्ब्रॉयडर जो कढ़ाई करने वाली दुकान है और मैकेनिक जो एक मैकेनिक की दुकान को मैंने देखा। इस प्रकार बताई जा रही है, बच्ची द्वारा कही जा रही है। ओके बेटा, लिसन टू केयरफुली स्टडी। वी टैक टू देम यहाँ पर बात की गई है कि वी टॉक टू देम अबाउट देयर जॉब एंड द टूल्स देयर यूज। हमने उसे उनके काम और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में पूछा। उनके जो उपकरण होते हैं, कई औजार होते हैं, काम करते हैं उनकी औजार के बारे में हमने पूछा। यूज करते हैं उनके बारे में पूछा। लेटर, वी ऑल्सो मीट ए इंजीनियर। हम एक इंजीनियर, एक ड्राइवर, एक डॉक्टर हु लिव इन अवर नाइबरहुड्स एंड फाउंड आउट हाउ दे लर्नड देयर स्किल। हम एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक ड्राइवर से भी मिले जो हमारे पड़ोस में रहते हैं और यह पता लगाया कि वे अपने कौशल का कैसा उपयोग करते हैं या फिर मनवाते हैं। ओके, अपने जो स्किल्स हैं लर्न कैसे उपयोग करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे मनवाते हैं, लोहा मनवाते हैं, यह चीज़ बताया गया है। ओके, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ से बताया कि यसी जो मार्केट्स में बाजार गया था,
है ना। तो वहाँ उसने एक कुम्हार दर्जी मोची एक कढ़ाई करने वाले देखी, एक मैकेनिकी को देखी, उसने उनके काम और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में बात की। एक इंजीनियर, एक ड्राइवर और एक डॉक्टर से भी मिले हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, वह यह पता लगा है कि वह अपने कौशल को लोहा मनवाते कैसे हैं, वह कैसे काम करते हैं। ओके, तो इस प्रकार मैंने फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में दिए बताया। देखिएगा नीचे जो पैराग्राफ्स हैं इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो मैं इमेज दिए हुए हैं एक कुम्हार के बारे में इमेज दिए हुए हैं, जो पोर्टर्स के बारे में बताया गया है। मसूद इज़ ए पोर्टर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पैराग्राफ। मसूद इज़ ए पोर्टर, ही यूज वी क्ले टू मेक थिंग्स लाइक पॉट्स, दियास एंड लैम्प यूजिंग हिज हैंड एंड द पोर्टर्स वेल। यहाँ पर मशहूर कुम्हार है, वह गीली मिट्टी का इस्तेमाल बर्तन जैसे चीज़ें बनाने में करता है। मशहूर जो है एक पोर्टर है बताया जा रहा है, एक कुम्हार है। ओके, वह जो वेट जो होते हैं गीली मिट्टी का, जो क्ले होते हैं वेट गीली मिट्टी का उपयोग किसके लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए, दिया बनाने के लिए, लैम्प बनाने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हैं, अपने हाथों और कुम्हार के पहियों का उपयोग करते हैं। ओके, किस चीज़ बनाने के लिए, दिए और दीपक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। दिया जो बनाया जाता है कुम्हार के द्वारा, दिया बनाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जो दिए हुए हैं, इमेज में यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई जा रही है कुम्हार के द्वारा। ठीक है बेटा, ही वास ओनली 5 years ओल्ड वैन हिज फादर टॉक हिम हाउ मैक पोर्ट्स, ही डेकोरेटेड द पोर्ट्स बाई द कैविंग्स डिजाइनिंग्स ऑन देम विथ ए क्नैप। 5 years old, वह केवल 5 वर्ष का था जब उसके पिता ने उसे बर्तन बनाना सिखाया। वह कितने वर्ष का था, ओनली 5 years का था। उसके पिता द्वारा उन्हें पोर्ट्स बनाने के लिए सिखाया गया, बर्तन बनाने के लिए सिखाया गया। ही डेकोरेटेड पोर्ट्स एंड क्रैविंग डिज़ाइंस, वह बर्तनों के चाकू से डिजाइन तराश कर सजाता था। वह जो बर्तनों की क्रैविंग्स मतलब होता है डिजाइन, यहाँ पर क्रैविंग्स डिजाइंस जो कि चाकू से जो डिजाइंस बनाना होता है उनको तराशना होता है, वह उन्हें सिखाया। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ से मैं मसूद के बारे में बताया कि मसूद जो हैं एक पोर्टर्स होते हैं जो गीली मिट्टी का उपयोग करके दिया का बनाते हैं, लैम्प बनाते हैं, जो अपने हाथ का उपयोग करके कुम्हार क्या करता है, अपने हाथ का उपयोग करके चक्की की सहायता से दिया और लैम्प बनाते हैं। वह 5 years पहले क्या है, उनके फादर द्वारा, उनके पिता द्वारा पोर्ट्स बनाने के लिए, जो बर्तन बनाने सिखाया गया था, वह बर्तनों पर चाकू से क्रेविंग्स जो चाकू होते हैं, वह चाकू से क्या करता था, चाकू से अपने डिजाइन बनाने का काम, है ना, क्रैम्प्स जो होती है चाकू से अपने डिजाइन बनाने का काम सजाता था, या फिर डेकोरेटेड करता था, उनको सजाने का काम करता था, उनमें डिजाइन देने का काम करता था। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ्स में क्या बताया गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ्स में बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा ये जो इमेज है इसके माध्यम से बताया गया है कि दयाल चंद इज टेलर। ये जो दयाल चंद है यहाँ पर टेलर का काम करता है, दयाल चंद एक दर्जी है। ही यूजेस ए नीडल थ्रेड एंड अ स्विंग मशीन टू स्विच क्लॉथ स्टिच क्लॉथ इसके बारे में बात की है। ओके, ही लर्न द आर्ट ऑफ स्विंग क्लॉथ, जो क्लॉथेस होते हैं कपड़े होते हैं उसके बारे में बात की गई है। दयाल चंद एक दर्जी है, किनके बारे में बात की जा रही है, ये जो दयाल चंद एक टेलर है, दर्जी है। ही यूज टू नीडल्स एंड थ्रेड एंड स्विंग मशीन स्टिच क्लॉथ, वह सुई का उपयोग करता है, किसका, सुई का उपयोग करता है कपड़े सिलने के लिए, धागा और सिलाई मशीन किसका, सुई का उपयोग करते हैं, है ना, थ्रेड स्विंग मशीन एंड द क्लॉथ कपड़े का भी उपयोग करता है। ही लर्न द आर्ट ऑफ स्विंग क्लॉथ फ्रॉम हिज एल्डर्स ब्रदर
सुमेर चंद, बोथ ऑफ देम रन टेलर्स क्लियरिंग शॉप। दयाल चंद, स्टिचिंग क्लॉथ फॉर मेन एंड समर, जो सुमेर चंद स्टिच क्लॉथ ऑफ वोमेन, क्लोथेस फॉर वोमेन। ओके, जो दयाल चंद है, जो दयाल चंद है, ओके, उनके पास एक टेलर का दुकान था, ये बताया गया, दर्जी था, है ना। यहाँ पर बताया गया है कि ही लर्न ए आर्ट ऑफ स्विंग क्लोथेस फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर्स। उन्होंने अपने बड़े भाई सुमेर चंद से कपड़े सिलने की कला सीखी। किससे? सुमेर चंद से कपड़े बनाने की कला सीखी। बोथ ऑफ देम रन टेलर शॉपिंग, जो टेलरिंग शॉप, दोनों एक सिलाई की दुकान चलाते थे। दयाल चंद और सुमेर चंद जो है, यहाँ पर बताया गया है, दयाल चंद स्टिच क्लोथ फॉर मेन। मेन दयाल चंद क्या करता था? दयाल चंद पुरुषों के लिए कपड़े सिलते और सुमेर चंद स्टिच क्लोथ फॉर वुमेन। सुमेर चंद जो है वह महिलाओं के लिए कपड़ा बुनता था। ओके बेटा, एनी डाउट? नीचे पैराग्राफ आइएगा, नीचे पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर इमेज के माध्यम से बताया गया है। चुन्नीलाल मैट्स, चुन्नीलाल मैट्स ओल्ड टर्न सोस, ही इज़ ए कॉपर एज विल एज सिमोकर, शिशमोकर, शिशमकर से जो बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो चुन्नीलाल पुराने और फटे जूतों की ठीक करता था, पुराने और फटे जूतों को ठीक करता था। हिज टॉल्स आर हैमर, नीडल, नेल्स, थ्रेड एंड अवल। ओके, वह मोची होने के साथ साथ थानेदार भी है। वह मोची होने के साथ थानेदार भी है, बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, जो चुन्नी लाल है, ये जो चुन्नी लाल का इमेज दिखिएगा, ये जो चुन्नी लाल दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर चुन्नी लाल जो दिखाई दे रहा है, ये जो है मोची होने के साथ साथ में चुन्नी लाल मैट्स ओल्ड एंड टर्नसॉप ही कॉपर एज वेल एज शूज मेकर ही टूल्स हैमर नीडल नील्स थ्रेड एंड अवल का उपयोग करता था। ठीक है, वह मोची होने के साथ साथ में थानेदार भी है। उनके जो उपकरण हमने सुई हो गए हैं, कील, धागा और एक आवर था, अवल जो बोला जाता है। ठीक है, ही लर्न हिज वर्कर फ्रॉम हिज नायबरहुड नायबर नायबर हु इज आल्सो कॉबलर, जो कॉबलसर है। ओके, उसने अपना काम अपने पड़ोसी से सीखा, उसने जो अपना काम है अपने पड़ोसी से सीखा, जो एक मोची भी है, रूबल, जो रूबल है ना, एक मोची भी है, रूबल से बताया गया है, एक मोची भी है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वह एक अपने अपने नायब रूल्स, मतलब पड़ोसी से वह काम सीखा। ठीक है, चुन्नी लाल, उनके कुछ मैं टूल्स के बारे में बताया, आप टूल्स जो देख सकते हैं, जो मोची का काम होता है, हैमर का उपयोग करता है, नीडल्स का, अपनी नेल्स का, थ्रेड का और अवल का उपयोग करता है। वह जो वर्क काम सीखा है वह अपने पड़ोसी के, है ना, पड़ोसी के से सीखा। ठीक है बेटा, नीचे देखिएगा, नीचे पैराग्राफ देखिएगा, यहाँ पर ये जो इमेज दिए हुए हैं, इमेज के माध्यम से बताया गया है कि ये जो रूबल है, रूबल इज एन एम्ब्रॉयडर, जो रूबल्स होते हैं, रूबल के बारे में बात की गई है कि इस एन एम्ब्रॉयडर, रूबल एक कढ़ाई करने वाली है, मतलब कढ़ाई करने वाला है। ही टूल्स और नीडल, उनके जो टूल्स हैं, क्या है, टूल्स नीड है ना, ऑर्डर फ्रेम्स हैं एंड थ्रेड, सी यूज द थ्रेड ऑफ द डिफरेंट कलर्स टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। सी लर्न दिस आर्ट फॉर्म हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर्स। ओके बेटा,
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पुनः मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ पर जो रूबल है, रूबल इज़ द एम्ब्रॉयडर। रूबर क्या है, एक जो रूबल है वह क्या है, एक कढ़ाई करने वाला है, ही या फिर कढ़ाई करने वाली है। ही टॉल्स आर द नीडल्स, उनके जो टूल्स हैं, उनके टूल्स क्या हैं, उनके जो टूल्स हैं नीडल्स हैं एंड ऑरन्स जो फ्रेम है, वुडन फ्रेम है, थ्रेड है, ओके। उसके जो उपकरण हैं सुई, सुई के साथ में लकड़ी के फ्रेम और धागे हैं, ठीक है। सी यूज थ्रेड ऑफ डिफरेंट कलर टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर सुंदर पैटर्न बनाने के लिए वह विभिन्न रंगों के धागे का उपयोग करती है। क्या चीज़ का उपयोग करती है, वह ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। वह फैब्रिक जो अलग विभिन्न प्रकार के रंगों के धागे का उपयोग करती है पैटर्न बनाने के लिए, वह विभिन्न प्रकार के धागे का उपयोग करती है। सी लर्न दिस आर्ट फ्रॉम मदर एंड ग्रैंड मदर, उन्होंने यह कला अपनी माँ और दादी से सीखी, ओके। मैंने क्या बताया, उन्होंने अपनी जो कला है किन से सीखी है, उनकी मम्मी से और उनकी दादी से सीखी। फैक्ट ऑन में दिए हैं कि कंथा वर्क एंड द जरदोजी आर टाइप्स ऑफ द एम्ब्रॉयडर्स। एक जो ये जो आपको बताया गया है यहाँ पर कुछ जो बताया गया है, एक एम्ब्रॉयडर्स के वर्क्स हैं, काम्स हैं, यह बताया गया है फैक्ट ऑन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, पेज नंबर 17 के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 17 में देखिए जो यहाँ पर एक सुनील के बारे में बताया गया है, ये जो सुनील हैं वर्कर हैं, साइकिल्स मैकेनिक के हैं, इनके बारे में बात की गई है कि सुनील इज ए साइकिल्स मैकेनिक, ही रिपेयर साइकिल विथ हिज द टूल्स सच ए स्क्राइडर, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर एंड साइकिल पम्प्स, ओके। सुनील साइकिल मैकेनिक है, सुनील जो है वह एक साइकिल मैकेनिक है के बारे में बताया गया है। ही इज़ द रिपेयर साइकिल, वह क्या करता है, अपने उपकरणों जैसे स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके, अपने स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करता है, स्क्रू ड्राइवर का एंड स्पैनर एंड साइकिल पम्प्स का क्या करते हैं, मरम्मत करता है, साइकिल पम्प के साथ साइकिल की मरम्मत करता है, ओके। ही लर्न द स्किल साइकिल रिपेयरिंग फ्रॉम ओनर द शो, उसने दुकान के मालिक से साइकिल रिपेयरिंग का हुनर सीखा, जो दुकान का मालिक है उनसे साइकिल मैकेनिक का वर्क सीखा बताया गया है। सुनील एक साइकिल मैकेनिक है जो कि साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है। उनके जो टूल्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं मैंने बताया, उनके जो टूल्स के बारे में बताया कि एक स्क्रू ड्राइवर का, एक स्पैनर का एंड साइकिल पम्प्स को बनाने का काम करता है। उसने अपने साइकिल मालिक के साथ में अपने साइकिल बनाने का हुनर को सीखा, ठीक है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, नीचे पैराग्राफ से में बताया गया है, यहाँ पर ये जो इमेज दिए हुए हैं देख सकते हैं, यहाँ पर जो इमेज दिए हुए हैं निखिल के बारे में बताया गया है। निखिल ज्वाइंड एन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, ही इज़ ए इंजीनियरिंग नाउ, ही वेल्ड्स ब्रेज एंड द बिल्डिंग्स। निखिल ने एक स्कूल ख़त्म करने के बाद, निखिल ज्वाइन द इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, निखिल स्कूल ख़त्म करने के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल लिया, कहाँ, एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल लेता है स्कूल ख़त्म करने के बाद। ही इज़ द इंजीनियर नाउ, वह अब एक इंजीनियर है। ही बिल्ड्स ब्रिज एंड द बिल्डिंग्स, वह पुलों और इमारतों का निर्माण करता है, जो पुल होते हैं, बड़े बड़े पुल्स होते हैं, बड़े बड़े इमारत का निर्माण करता है, बनाने का काम करता है, उनके जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है बताया गया है। तो मैंने क्या बताया, निखिल के बारे में मैंने स्टडी करवाई कि निखिल्स कैसे हैं, निखिल्स कैसे काम करता है, एक इंजीनियर होने के नाते, है ना। एक सुनील के बारे में बताया जो कि एक साइकिल मैकेनिक है। रूबल के बारे में मैंने बात किया कि जो एक एम्ब्रॉयडर्स है, कढ़ाई करने का काम करती है। एंड चुन्नीलाल के बारे में बताया जो कि मोची के साथ साथ में वह एक थानेदार है। एंड दयालचंद के बारे में हमने डिस्कस की, एंड मशहूद के बारे में हमने बात की है। ओके बेटा,
साइना वहाँ पर कहना चाह रही है कि नेम अनदर टाइप ऑफ मैकेनिक, आपको कोई अलग जो है अनदर टाइप अलग प्रकार के जो मैकेनिक हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बताया गया है अर्जुन के बारे में बात की जा रही है, जो अर्जुन है, अर्जुन जो है यहाँ पर एक ड्राइवर के रूप में है। अर्जुन सिंह इज़ ए ड्राइवर, ही लर्न टू ड्राइव एट ए ड्राइविंग स्कूल, देन ही गॉट ए ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अर्जुन सिंह एक ड्राइवर है, उसने ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखा। कहाँ? अर्जुन सिंह जो है एक ड्राइविंग का काम करता है, उसने ड्राइविंग स्कूल में क्या करना, गाड़ी चलाना सीखा, ड्राइव करना सीखा। ओके, देन ही गॉट ड्राइविंग लाइसेंस, नाउ ड्राइव्स ए स्कूल बस। उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला, अब वह एक स्कूल बस चलाता है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो वह स्कूल बस चलाता है। ही ब्रिंग्स चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम्स टू स्कूल, वह बच्चों को उनके घरों से स्कूल लाता है, स्कूल बस चलाता है। वह बच्चों को उनके घरों से कहाँ लाता है, स्कूल लाता है। किसको? बच्चों को घर से स्कूल लाता है। ठीक है, घर से स्कूल लाता है किनको? बच्चों लोग को घर से स्कूल लाता है। When the school's gates over, he takes the children's back to their homes, वह बच्चों को वापस उनके घर ले जाता है। स्कूल ख़त्म हो जाता है, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, स्कूल क्या करता है, स्कूल जो गेट्स ओवर्स होते हैं, स्कूल जब ख़त्म होती है तो बच्चे को कहाँ, घर से, स्कूल से घर लेके आते हैं, घर लेके आते हैं बताया गया है। ठीक है, मैं पुनः तेजन के रूप में बताना चाहूँगा कि अर्जुन सिंह एक ड्राइवर है, ड्राइवर का काम हुआ ड्राइविंग स्कूल से सीखे हैं, उनके पास लाइसेंस होने के बाद वह स्कूल बस, एक स्कूल की बस चलाते हैं। स्कूल बस में चलाने के बाद क्या है, बच्चे लोग को वह घर से स्कूल लेता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वह बच्चे लोग को घर लेके आता है। ओके, फैक्ट ऑन्स में बताया गया है, देखिएगा यहाँ पर तथ्य है, एक चिट्ठी कह रही है कि टू ड्राइविंग व्हीकल्स यूर नीड लाइसेंस, यू शुड 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफ मोर टू गेट ए लाइसेंस। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ओके, होनी चाहिए बताया गया है, तभी आपको लाइसेंस मिल सकती है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, यहाँ नीचे पैराग्राफ्स में बताया गया है, बहुत अच्छी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इनके बारे में बात की गई है कि संदीप से डॉक्टर, ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम मेडिकल कॉलेज विच ही ज्वाइंड आफ्टर कम्प्लीटिंग स्कूल, ही टेक केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पीपल। ओके बेटा, देखिए संदीप एक डॉक्टर है, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की। कहाँ से? मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की। ये जो संदीप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, जो इलाज करते हैं डॉक्टर्स के रूप में, तो यहाँ पर बात की गई है संदीप इज़ ए डॉक्टर, संदीप एक क्या है, डॉक्टर है। ही गॉट हिज द डिग्री, उन्होंने डॉक्टर की डिग्री मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की। विच द ज्वाइंट्स एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग स्कूल, अपनी डिग्री ली, उन्होंने स्कूल पूरा करने के बाद ज्वाइन किया मेडिकल कॉलेज को, स्कूल कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन किया। ही टेक केयर इन सिक एंड इंजर्ड पीपल्स के बारे में बताया गया है, वह बीमार और घायल लोगों की देखभाल करता है। ओके, कुछ आंसर वर्ली दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, कुछ जो आंसर वर्ली दिए हैं इनको आप पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं बेटा मेरे को बताइए, मैं पुनः उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। ओके, जैसे यहाँ पर आंसर वर्ली आप देख सकते हैं कि व्हाट वर्क डू यू फ्लोइंग्स पीपल्स टू, व्हाट टूल्स टू दे यूज, ये जो दिए हैं नीचे दिए हैं प्लम्बर एंड मशीन एंड इलेक्ट्रीशियन एंड कारपेंटर जो होते हैं, इनके जो टूल्स होते हैं जब काम करते हैं ये लोग, तो इनके टूल्स का क्या 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 टूल्स का उपयोग करते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम पेज नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 18 में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हैं, जैसे
डिस्क जॉकी के बारे में स्टडी करेंगे, स्कूल बिटर्स के बारे में बात करेंगे। ओके।